नमस्कार दोस्तों, सावन सुजीत राव बिजनेस यूट्यूब चैनल का सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कोई भी एक स्टार्टअप बिजनेस सक्सेसफुल होने के 11 कारण। देखिए, यदि आप बिजनेस और स्टार्टअप रिलेटेड वीडियोस को फॉलो करते होगे, आपने आजकल देखा होगा कि एक कॉमन पैटर्न बन चुके हैं वीडियोज बनाने की, ये स्टार्टअप क्यों फेल हो गया, ये स्टार्टअप क्यों डूबेगा, ओला क्यों डूबेगा, जोमेटो क्यों फेल हो गया, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्यों फेल हो जाएगी, क्यों यूट्यूबर्स, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, आज मैं थोड़ी आपको YouTube की इनसाइट बता रहा हूँ, यूट्यूबर्स क्यों स्टार्टअप फेल रिगार्डिंग वीडियोस ज़्यादा बना रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी भी दो वीडियो को अपलोड करते हैं, किसी एक स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी और एक किसी स्टार्टअप की फेलियर स्टोरी, सक्सेस स्टोरी पे यदि 1000 व्यूज़ आते हैं तो फेलियर स्टोरी पे 5000 व्यूज़ आते हैं, 4 गुना ज़्यादा व्यूज़ आया, एड रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा, स्पॉन्सर से भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर यूट्यूबर यहाँ पे क्यों सक्सेस स्टोरी बनाए, फेलियर स्टोरी ना बनाए, ज़्यादा व्यूज आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा। अब देखिए, जो कोई भी स्टार्टअप की चैनल से, बिजनेस की चैनल से, आजकल पिछले एक महीने से एक गेम चल रहा है, नो डाउट अच्छी बात है, मिस्टेक से हम सीखेंगे, उनके फेलियर मॉडल से भी सीखेंगे, लेकिन सक्सेस का भी कोई रीज़न तो होता है ना। स्टार्टअप फेल होते हैं, नो डाउट, एक स्टार्टअप, दो स्टार्टअप, 100 स्टार्टअप फेल होते हैं, लेकिन कितने बिजनेस है जो सक्सेसफुल चल रहे हैं। आज आपको जितनी भी सर्विसेज मिल रही है, मोबाइल के थ्रू आप आज स्क्रॉल कर रहे हो, जितने भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ करो, प्रोडक्ट यूज़ करो, सभी यहाँ पे सक्सेसफुल स्टार्टअप और सक्सेसफुल बिजनेस का एक एग्जांपल ही है। तो आज मैं दोस्तों फोर्ब्स के अनुसार 11 कारण, किसी भी एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल पहुंचाने के 11 कारण कौन से, बात करता हूँ। वीडियो में तक जरूर बने रहेगा। यदि आपको फ्यूचर में बिजनेस बनाना, स्टार्टअप बनाना, आपको यहाँ पे रियल प्रैक्टिकल लर्निंग वाले वीडियोस है जो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इंग्लिश की लर्निंग हिंदी में आसान भाषा में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला रीज़न है दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने का विज़न। एक एंटरप्रेन्योर के पास विज़न होता है किसी भी चीज़ को लेके, अपने विज़न को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। आज मोबाइल के थ्रू दोस्तों हम यहाँ पर बैठ के अपने दोस्त के साथ दूसरे कंट्री में भी बात कर सकते हैं, उनका फेस देख सकते हैं। क्या 15-20 साल पहले पॉसिबल था? नहीं था। लेकिन किसी के पास विज़न था कि सिर्फ बात सुन के मज़ा नहीं आता, क्यों ना उनका फेस भी देखा जाए। एक वीडियो कॉल आज दोस्तों कितना ईजी हो चुका है, लेकिन एक टाइम पर दोस्तों एक सपना था। आज जितनी भी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी, घर पर आपको खाना मिल जाता है, फूड, सब विज़न का यहाँ पर एक देन है। तो विज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनने के, आपके पास एक विज़न होना चाहिए। नंबर टू पे दोस्तों जो रखा गया है, स्पीड। स्टार्टअप की एक खासियत होती है, पहले तो फंडिंग उठाते हैं, खास करके दोस्तों आज का जो वीडियो फोकस में रहेगा ये कुछ बड़ी गेम बनाने वालों के लिए, जो कि यहाँ पे अपने स्टार्टअप पे $1 बिलियन का मार्क लगाया जाता है। दोस्तों ये भी एक अच्छी बात है, $1 बिलियन का आपने मार्क लगाया, ये भी एक अचीवमेंट ही है, चाहे स्टार्टअप फेल हो जाए, लेकिन एक्चुअल में जो सक्सेसफुल स्टार्टअप होते हैं, सेकंड उनके पास होता है दोस्तों स्पीड। फंडिंग होती है तो स्पीड से यहाँ पे ग्रो करते हैं, अच्छी बात है। तीसरा होता है दोस्तों बजट मास्टर्स। यहाँ पे जो 11 कारण दिए गए, स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट कर देता है। यदि आपको आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल स्टार्टअप में भी कन्वर्ट करना है, बिजनेस को भी सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये भी ध्यान में रखना। विज़न होना चाहिए, विज़न के साथ आपके साथ दोस्तों होना चाहिए स्पीड के साथ ग्रो करना है। बजट का मास्टर होना चाहिए आपके पास, यदि 100 करोड़ भी पड़े तो 100 करोड़ से आप कैसे 200 करोड़ का आउटपुट ले सकते हो, ये आपके पास यहाँ पे एक विज़न के साथ क्या होना चाहिए, बजट मास्टर ही होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर बजट मास्टर को रखा गया। फोर्थ नंबर पर दोस्तों सोशल स्किल, नेटवर्किंग स्किल, सोशल स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में बिजनेस करते हो, स्टार्टअप करते हो, नेटवर्क है जो आपकी हेल्प करेगा। नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे देगा। हर बार दोस्तों गूगल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बिजनेस में क्या होता है कि किसी भी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे और गूगल पे ना हो, ना तो उन्होंने कोई बात की हो, इंटरव्यू दिया, मोस्ट ऑफ आंसर मिल जाते हैं, लेकिन आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा क्रिटिकल है तो आपका नेटवर्किंग होगा, आपके नेटवर्क के थ्रू आपको अच्छे खासे एम्प्लॉय मिल जाएगा, इंटर्न मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो सोशल स्किल के थ्रू ही दोस्तों आता है आपका नेटवर्किंग का पावर। सोशल स्किल अच्छी होगी, बात कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी होगी, आपका यहाँ पे नेटवर्क अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा, टाइम के साथ होगा, तुरंत नहीं होगा, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है। फिफ्थ नंबर पर दोस्तों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? डिसिप्लिन का दोस्तों जब एक मीनिंग हमें मालूम पड़ता है, स्कूल में डिसिप्लिन रखनी है, यूनिफॉर्म अच्छी तरह से पहना, एक्चुअल में डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन है दोस्तों आपने जो विज़न बनाया है, आपका जो विज़न है, विज़न के साथ अलाइन रहना। डिसिप्लिन है दोस्तों यहाँ पे आपका काम करने का डिसिप्लिन, आपका यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा बहुत इनसाइटफुल और नॉलेज देता हूँ। स्टार्टअप में यदि आपने एक विज़न बनाया कि मुझे $1 बिलियन की कंपनी बनानी है, हो सकता है मुझे बिलियनर बनना है, अब आपका स्टार्टअप एक लेवल तक सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे कि मौज कंपनी के फाउंडर है, 3-4 फाउंडर है, उनके स्टार्टअप की वैल्यूएशन अराउंड $1 बिलियन है। आपने भी एक कोई विज़न बनाया होगा स्टार्टअप करने के बाद कि मुझे $1 बिलियन की कंपनी बनानी है। अब $100 मिलियन का यदि आपको पैसा लिक्विड में मिल रहा है, जैसे कि कोई आपकी कंपनी पूरी बाई करना चाहता है, अब यहाँ पे ये डिसिप्लिन की बात आ जाती है, क्या आपको आपकी कंपनी को
आगे ले जाना है या फिर आपको आपकी कंपनी को बेच देना है। डिसिप्लिन वाला बंदा हो सकता है कि अपनी कंपनी को ना बेचे, बड़े लेवल का पैसा लिक्विड दे। मोज कंपनी के फाउंडर है, उन्हें 800 करोड़ का लिक्विड ऑफर आया था। यदि कंपनी मोज दूसरे को बेच देते, उन्हें 800 करोड़ तुरंत मिल जाते। स्नैपचैट के भी आपने बहुत सारे रील्स भी देखे होंगे कि $1 बिलियन का बाई करने का फेसबुक से ऑफर आया था, ठुकरा दिया जाए। $100 बिलियन की कंपनी है। तो ये डिसिप्लिन का पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th नंबर पे। इस पर जरूर यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पहले ही गोल सेट कर लेना। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन स्टार्टअप दोस्तों कहा जाता है कि कांटे पे चलने वाला रास्ता है, क्योंकि आपको सिस्टम खुद बनानी है, रास्ता खुद बनाना है। सारे प्रॉब्लम आएंगे, नए होंगे, आपको सोल्व करना है। डिटर्मिनेशन करना है, कुछ भी हाल में करना है, करना है, करना है। ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। 6th नंबर पर डिटर्मिनेशन है, एक कारण किसी भी स्टार्टअप को सक्सेस बनाना है। जब ये 11 कारण मिल जाएगा, एक स्टार्टअप सक्सेस रेट की ओर आगे बढ़ जाएगा। 7th नंबर पे एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। बहुत सारे ओला की मैं बात कर रहा हूँ, ओला हो सकता है कि ओला कैब्स में फेल हो जाए, आपने वीडियोस देखे होंगे। लेकिन ओला ने ओला इलेक्ट्रिक में एंट्री ले ली। अब ओला इलेक्ट्रिक के थ्रू ओला कार में भी आ रहा है, बाइक में से अब कार में आएगा आने वाले टाइम में। यानी कि उनके पास एबिलिटी थी एडेप्ट करने की, चेंज करने की एबिलिटी। असनील ग्रोवर, उन्होंने जब भारत पे लॉन्च किया, पेटीएम था पहले से, कंपटीटर था। असनील ग्रोवर का यदि आप एक अच्छा खासा केस स्टडी, बायोग्राफी, पॉडकास्ट सब कुछ सुनोगे, तब आपको एक बात पता चलेगी कि उन्होंने अपने भारत पे के एक स्टार्टअप में 3 या 4 बार अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया। उस हिसाब से उन्होंने एडप्ट किया, चेंज को भी एडप्ट करना पड़ता है। 7th नंबर पर इस पर जरूर ध्यान रखना। 8th नंबर पर दोस्तों फंड रेजिंग स्किल। देखिए, इन्वेस्टर जो आपके सामने बैठे, आप कभी भी फंडिंग लेने जाओगे, वे दोस्तों आपसे भी बड़े बिजनेसमैन हैं। वे चाहते हैं कि आपको कम से कम पैसा दिया जाए और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी लिया जाए। यहाँ पे नेगोशिएशन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने शार्क टैंक इंडिया भी देखा होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे शार्क का बिहेवियर बहुत तगड़ा होता है। क्यों होता है? कि वो सबसे ज़्यादा इक्विटी मिल जाए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी फंड रेजिंग स्किल में कभी भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपको पहले सब कुछ प्लान करना है। यदि आपको 5% डाइल्यूट करना है 50 लाख के बदले, तो आपका यहाँ पे 6-7% तक चल जाएगा। अदरवाइज बहकाव में कभी भी मत आना है। फंड रेजिंग स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी फंड रेजिंग स्किल दोस्तों आपकी कंपनी को तो आगे ले ही जाएगा, लेकिन फ्यूचर में आप कितना पैसा कमाओगे एग्जिट के टाइम पे, जब आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा, ये भी मैटर करके आपकी फंड रेजिंग स्किल पे। फंड रेजिंग स्किल में एक और मैं अभी बात करना चाहता हूँ। मान के चलिए फंड रेजिंग में आपने ज़्यादा इक्विटी स्टार्टिंग के टाइम पे डाइल्यूट कर दी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं। कोई आपका आइडिया देख के, आइडिया सुन के कहता है कि मैं आपका स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँगा, मुझे 30% की इक्विटी दे दीजिए। अब दूसरे राउंड में आपने सोचा ही नहीं है। यदि आपकी ज़्यादा ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट हो गई स्टार्टिंग के टाइम में, फिर आपके पास एक पावर नहीं रहेगा, आपके पास यहाँ पे डिसीजन का पावर नहीं है। स्टार्टअप आपका होगा, लेकिन आपके स्टार्टअप में क्या बदलाव करना है, क्या नया चेंज लाना है, आपके पास कोई पावर नहीं होगा। हो सकता है कि आपको स्टार्टअप से निकाल भी दिया जाए, वही यहाँ पे आपके स्टार्टअप के फिर वही एक्चुअल में मालिक बन जाए, जो कि होता है। असनील ग्रोवर को भी निकाला गया, बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर को निकाला गया, क्योंकि उनके पास एट द एंड बहुत ज़्यादा पैसा उठाने के चक्कर में फंड रेजिंग की स्किल का अभाव हो सकता है, कह सकते हैं। वे यहाँ पे अपना डिसीजन पावर भी खो देते हैं। हो सके तब तक डिसीजन पावर अपने पास रखना है दोस्तों। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ फंड रेजिंग स्किल में होती है दोस्तों, आप यदि कोई एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग उठा रहे हो, देखिए कि उनका बैकग्राउंड क्या, आपका जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है उनसे मैच हो रहा है। यदि उनसे मैच हो रहा है, तो आपकी यहाँ पे नेटवर्क में बहुत हेल्प हो जाएगी। यदि नेटवर्क में हेल्प हो गए, तो आपका बिजनेस एक्चुअल में अच्छा ग्रो हो जाएगा, तब आप थोड़ी ज़्यादा इक्विटी भी दे सकते हो, यदि आपको नेटवर्किंग का और एक्सपर्टीज का एडवांटेज मिल रहा है। 9th नंबर पर दोस्तों बिलीफ, विश्वास हिंदी में बोला जाता है। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आप काम कोई भी कर रहे हो, विश्वास से साथ आगे बढ़ना है। विश्वास स्टार्टअप एक क्या है बताए, स्टार्टअप के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल यूज़ होता है। एक बड़ा समुंदर है, बड़ी बड़ी कंपनीज एक बड़ा समुंदर है, और आपकी एक छोटी सी नाव है। अब आपको कुछ भी करके अपनी नाव को समुंदर की बड़ी बड़ी लहरों से पार करा के आगे बढ़ना है। जी बिलीफ होगा, विश्वास होगा, तब आप यहाँ पे गिव अप नहीं करोगे, हार नहीं मानोगे। अगर आप चलते रहो, कभी ना कभी किनारे पर पहुँच जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9th नंबर पर बिलीफ। 10th नंबर पर दोस्तों मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपके पास तो होना चाहिए, फाउंडर है तो आपके पास तो होगा ही, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉय में भी होना चाहिए। आपको 10 एम्प्लॉय हायर करने, 20 करने, 50 करने। इन्वेस्टर आपको पैसा दे सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कभी भी एम्प्लॉय हायर करोगे, टाइम मैनेजमेंट उनको भी आपको ये लर्निंग देनी पड़ेगी कि टाइम मैनेजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इलोन मस्क इसलिए इतना पैसे वाला हो चुके, क्योंकि उनकी जब बात की जाती है, हमेशा टाइम के बारे में बात करती है। मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत पक्का हूँ, 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा। यदि आपको इलोन मस्क के वर्ड है, 16 घंटे काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, यदि आपको खुद की एक बड़ी कंपनी बनानी है, टाइम मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा काम करना है आपको। 11th है दोस्तों एग्जीक्यूशन। स्टार्टअप आइडिया सबके पास होते हैं, एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी तरह से हो पाता है, उस हिसाब से आपका स्टार्टअप का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। आपका स्टार्टअप यहाँ पे एक स्टार्टअप से सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पे एक
मिलियनर की कैटेगरी में, मिलियनर की कैटेगरी में आप आओगे यदि स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया। एग्जीक्यूशन पे सारा गेम, नथिंग वन के फाउंडर है, नथिंग पहले वन प्लस का उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन उन्होंने नया वेंचर शुरू किया मोबाइल में, नथिंग बहुत फेमस मोबाइल फोन है। उन्होंने एक ही बात की कि मेरा एक ही चीज़ पर फोकस रहता है, एग्जीक्यूशन पे, एग्जीक्यूशन की वजह से इतना पैसा कमा पा रहा है, इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, एक अच्छा दिल से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैंने आज 11 रीजन बता दिए फोर्ब्स के सब, क्योंकि फोर्ब्स दोस्तों स्टार्टअप के मीडिया कंपनी में और उनके नॉलेज में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। 11 रीजन, ये आपने इस पर काम कर लिया, यू विल बी अ नेक्स्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप ओनर, आप एक नए स्टार्टअप फाउंडर भी बन सकते हो, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर बन जाओगे। 11 जो मैंने पॉइंट बताया जरूर ध्यान में रखना। मोर बिजनेस वीडियोस के लिए, स्टार्टअप रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। सावन सुधार को धन्यवाद।